अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम मरियम पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे न्यू ज्वाइनर्स जिनकी स्टार्ट में ही प्रोफाइल में इशू हो जाता है कोई ना कोई, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिस्टेकनली गलत टाइप हो गई है, या फिर आपने क्या किया कि आईडी कार्ड की पिक्चर ब्लर जो है वो अपलोड की या गलत कर दी या बैक साइड से कर दी तो रिजेक्ट हो गई है। मतलब कोई भी प्रोफाइल का इशू है तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, सिंपली आपने गूगल में आना है, वहाँ पर लिखना है oriflamelogin.pk, ठीक है, और उसको सर्च करना है जो पहली ही वेबसाइट आएगी जहाँ पर ये देखें http://pk लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये पाकिस्तानी वेबसाइट है ओरिफ्लेम की। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। ये काम आप अपनी जाके ओरिफ्लेम ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि वेबसाइट से कोई भी इंसान जो है अगर उसकी स्टोरेज का इशू है या उसका नेट वीक चल रहा है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली रिजोल्व हो जाते हैं और आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो सिंपली ये देखें, इस तरह का आपके पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपने ये थ्री लाइन्स जो हैं इस पर क्लिक करना है, माई अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक आपने अपना ब्रांड पार्ट नंबर जो है वो टाइप करना है, ठीक है। अब चूंकि ये मेरी ब्रांड पार्ट नंबर का जो है वो ऑलरेडी मैं लॉगिन कर चुकी हूँ, तो मेरे पास इनका पासवर्ड सेव है, तो साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो रिजेक्ट हो गई, आपने उसको दोबारा से अपलोड करना है, तो उसका पहले मैं तरीका आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं इनकी वैसे कर चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताऊँगी ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो करना, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो एक सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये जी इनकी प्रोफाइल ओपन हो गई है, फिर थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना इस तरह का ऑप्शन आएगा आपको, लेकिन माय अकाउंट पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब चूंकि आपने अपनी जो है वो पर्सनल डिटेल्स होती है ना, तो आपने प्रोफाइल जो ये सबसे नीचे है ना माय प्रोफाइल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आपके अपने पर्सनल डिटेल्स को एडिट करने का आपके पास जो है तीन चार ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, ईमेल को सेट करना हो, अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवाना हो, नेम प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाता है, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट एंड एग्रीमेंट है इसके ऊपर आप क्लिक करके ना अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर अगर आपने गलत जो है वो कर ली है या रिजेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपको एड प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आप जो है वो आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड कर देंगे अपनी गैलरी में से, ठीक हो गया। अब ये देखिए पहले लिखा था पेंडिंग, अब ये चूंकि इसको काफ़ी देर हो गई, तकरीबन दो दो घंटे हो गए हैं मुझे इसको अपलोड किए, तो अप्रूव्ड मतलब अब इनकी जो है वो आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो अप्रूव हो गई है। अब एक काम तो ये है कि आप अगर आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो उसको अपलोड करना तो कैसे करना है, लॉगिन करके इस तरीके से करना है। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हमने अगर सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी हो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलती से ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन मिस्टेकनली गलत लिख दी गई, अब हमने उसको ठीक करना है तो कैसे करना है। थ्री लाइन्स पे अगेन क्लिक करना है, माई अकाउंट में जाना है, यहाँ से ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ये देखें सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये अब रिपोर्ट इंसिडेंट पे क्लिक करना है इसके बाद, ठीक है। सर्विस रिक्वेस्ट रिपोर्ट इंसिडेंट, अब यहाँ से जो आपकी प्रॉब्लम है वो है इंसिडेंट, उसको हमने रिपोर्ट करना है, तो आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें इस तरह की आपके पास विंडो आएगी, कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी हो ना तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है। आप ये काम जो है वो ओरिफ्लेम ऐप से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, आप ये वेबसाइट में आप भी आके कर सकते हैं। अब इसको करने का मैं तरीका बताती हूँ, सेम वे में अगर आपके कोई और प्रॉब्लम हो ना तो वो भी आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ जी आपने करना है सेलेक्ट इंसिडेंट टाइप, जैसे आप ये छोटे से उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है चेंज इन डाटा डाटा एडिशन। उसके बाद आपने सब टाइप सेलेक्ट करनी है, सब टाइप में मतलब आपने एड्रेस अपडेट करना है, CNSE नंबर करेक्शन करनी है, या कंसल्टेंट आईडी इन्फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ है जिसको आपने चेंज करना है, भाई मुझे डेट ऑफ बर्थ एंड ये वाला, ठीक है, क्या करना था, डेट ऑफ बर्थ चेंज आर अपडेशन, ठीक है, इसको चेंज करना है अपडेट। अच्छा जी कंसल्टेंट नंबर मेरे पास है, मैंने वो इधर कॉपी कर दिया, जैसे ही मैं ब्रांच के ऊपर क्लिक करूँगी ना तो इनकी ऑटोमेटिकली ब्रांच शो हो जाएगी कंपनी की तरफ से, ठीक है, इसको लिखना नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, मेंबर ने जो है वो मुझे सारा प्रॉब्लम जो है वो लिख के भेजा था, ठीक है, तो ये देखिए अब मैं इसको कॉपी किया है, अब यहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में इसको पेस्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या वो आप एक दफ़ा देख लें, ब्रांड पार्ट नंबर लिखना है आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी, कोई भी मसला हो। उसके बाद अब आपने लिखना है कि प्रॉब्लम क्या, मैंने गलती से जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10/10/1990 लिखती थी, काइंडली इसको अपडेट कर दें, और वो है 10/4/1990, थैंक यू। अब जब भी आपने आईडी कार्ड का नंबर अपडेट करना हो ब्रांड पार्ट नंबर, ठीक है, उसमें डिटेल्स में, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी हो, तो आपने साथ में जो है वो एड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके अपने CNSE की पिक्चर ज़रूर अपलोड करनी है, जिस भी नेम से ज्वाइनिंग ली, अगर आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड पहले किया तो उसी की पिक्चर, अगर मम्मा के नेम से ज्वाइनिंग ली है तो उनके आईडी कार्ड की पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है डॉक्यूमेंट इस तरह करके, सॉरी ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्वांटिटी आपने 1 लिखनी है, कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है CNSE इज अटैच्ड, ठीक है, और जी आपने सेलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया फाइल्स में से जाके आपने, मैंने इनका स्क्रीनशॉट लेके ना फाइल रखी हुई है,
तो वो इमेजेस पे क्लिक करते हैं। आपकी गैलरी में जो भी ऑप्शन आएगा उस हिसाब से आपने उसको जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। अभी मैं चूज़ कर लूँगी। अभी यहाँ से आपने तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए पॉज लेना है। जैसे ही ये अपलोड होगी आपका काम जो है वो यहाँ पे इस तरह आप मतलब यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, विद इन 3 to 4 सेकंड 5 सेकंड। अब ये देखें अपलोड हो रहा है, तकरीबन ये अपलोड हो चुका है। अब सेव डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, आपकी फ़ाइल सेव हो गई है, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट मस्ट बी सिलेक्टेड। ओके सॉरी, मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, शायद मैंने कम टाइम वेट किया है तो वो अभी प्रॉपर अपलोड नहीं हुआ था, तो इस तरह की एरर्स आ जाते हैं, तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है आपने, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लें और जी ये भी हो गया है। उसके बाद हम सेव डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें डॉक्यूमेंट सेव हो गया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना हो फिर ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो भी अटैच हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी की ज़रूरत थी। तो सेम वे में आप अपनी प्रोफाइल में जाके, जैसे मैंने बताया था ना कि आपको तरीका बताऊंगी, आप अपनी अगर आपकी आईडी कार्ड की पिक्चर रिजेक्ट हुई हो तो ऐसे ही आप ऐड पर क्लिक करके मीडिया फाइल्स में से जाकर सेलेक्ट करते हो तो वो पेंडिंग लिख के आता है लेकिन बाद में वो अपलोड हो जाती है। अच्छा जी, अभी हमने एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक राइटअप की है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की ये जो है वो इन्फॉर्मेशन शो होगी, इंसिडेंट सेव सक्सेसफुली, न्यू इंसिडेंट आईडी। अब ये आपकी इंसिडेंट जो रिपोर्ट है ना उसकी आईडी का नंबर है 133253। किसी भी वक्त आप लाइव चैट पे यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके पूछ सकती हैं कि मेरी इस इंसिडेंट पर काम क्यों नहीं हुआ, और आपको फ़ौरन ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये इसके बाद ठीक है कि आपने इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो आपकी हो गई है और विद इन 3 डेज़ आपको इस पे काम हो जाएगा। 3 दिन का टाइम देते हैं लेकिन उससे पहले ही आपकी जो है वो रिपोर्ट पे काम हो जाता है। सो इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू आप जो है वो उसको सॉल्व करवा सकते हैं।